बॉलीवुड के गलियारों से बीते दिनों ही ऐसी खबरें सामने आई थीं कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने एक एक्शन कॉमेडी फिल्म के लिए हाथ मिलाया है जो जैकी भगनानी के बैनर तले बनेगी। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ जल्द ही अपकमिंग फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में एक साथ एक्शन धमाका करते दिखाई देंगे। हालांकि फिल्म का टाइटल आगे चलकर बदला भी जा सकता है। ये मेगा बजट फिल्म जाने माने डायरेक्टर अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनने जा रही है। वहीं फिल्म को लेकर सामने आई ताज़ा रिपोर्ट्स की माने तो बताया जा रहा है कि अली अब्बास जफर को ये फिल्म बनाने के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए का बजट मिला है। आगे का वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल एनएन बॉलीवुड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अली अब्बास जफर काफ़ी वक्त से दो हीरो की फिल्म बनाना चाहते थे। आखिरकार उन्हें यह मौका मिल गया है और वो काफ़ी उत्साहित भी हैं। ये पहला मौका होगा जब अली अब्बास जफर दो अलग अलग जनरेशन्स के दो हीरोज़ को डायरेक्ट करेंगे। शाहिद कपूर की ब्लडी डैडी खत्म करने के बाद अली अब्बास बड़े मियाँ छोटे मियाँ पर काम शुरू कर देंगे। फिलहाल इस चीज पर काम चल रहा है कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को पर्दे पर एक साथ कैसे पेश किया जाए कि दर्शक फिल्म के दौरान सीटियां मारने को मजबूर हो जाएं। बता दें कि ये फिल्म तो महज 100 करोड़ की है लेकिन इसके बावजूद भी इसका बजट आउट ऑफ कंट्रोल होकर 300 करोड़ तक पहुंच गया है, जिसके पीछे की वजह ये है कि फिल्म के बजट का ज्यादातर हिस्सा एक्टर्स की फीस में ही खर्च हो जाएगा। बॉलीवुड में दो हीरो की फिल्में इसलिए बहुत कम बनती हैं क्योंकि बजट सारी सीमाएं पार कर जाता है। हालांकि वॉर की कमाई ने निर्माताओं को हिम्मत दी है कि अगर विषय सही है तो दो हीरो की फिल्मों पर रुपए खर्च करने में कोई नुकसान नहीं। शायद इसी कारण से अब प्रोड्यूसर जैकी भगनानी और डायरेक्टर अली अब्बास अक्षय और टाइगर को साथ में लेकर ये जुआ खेलने को तैयार हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।